चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की। वे वहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव प्रत्याशियों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। महानिदेशक ने सभी लोगों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सभी से सहयोग की अपील की। आज सवेरे उन्होंने सचिवालय के सम्मेलन सभागार में मीडिया कर्मियों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मैंने समस्त राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं तथा भारत के अनेक ऐसे विधिक प्रावधान हैं, कानून हैं तथा नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। इसी हित में निर्मित हैं कि चुनावी व्यवस्थाएं सुचारू हों और निष्पक्ष हों, तो वे अपना पूरा सहयोग दें चुनावी प्रशासनिक तंत्र का कि ये व्यवस्थाएं सही से संपादित हो सके। इसके साथ साथ जहां पर भी उनको किसी अन्य स्पष्टता की आवश्यकता थी वो भी दी गई तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा प्रत्याशियों, उनके एजेंटों को किसी भी अन्य प्रकार के मार्गदर्शन या जो कि कायदे कानून और आयोग के निर्देशों के भीतर जो भी संभव सहायता एवं फैसिलिटेशन की व्यवस्था हो सकती है वे ज़रूर दी जाए और पूरी हद तक दी जाए जहाँ तक संभव है, क्योंकि सही प्रकार से चुनाव लड़ना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना रे ने लोकसभा चुनाव 2014 के आयोजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए गत 28 मार्च को मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक